भाई शादीशुदा बंदे की जिंदगी कितनी सुकून वाली है ना। बिल्कुल सुकून वाली नहीं है, ये बहुत बड़ा भ्रम है। ये हम लोग को पता, जिनकी शादी हो चुकी है भाई, उनके साथ क्या क्या जुड़ हुआ है। तेरे को क्या लगता है शादीशुदा होने वाले बंदे की जिंदगी की बहुत सुकून वाली है क्या भाई? नहीं, तू पूरा साल भाई तूने मेरी बीवी को देखा होगा कैसे मेरे को गाली देती है, देखा है कि नहीं देखा है? हाँ मैं भाई तेरे को पूरा चैप्टर सुना दूंगा फिर भी मेरे को कम लगेगा। मैं तो भाई एक दिन एक त्योहार की बात करना चाहता हूँ। त्योहार भी नहीं, वो तो एक दिन है भाई जो हमारे लिए बहुत बड़ा भाई एक कर्ज हो चुका है जिसको मनाना ही मनाना है। तू चाहे मना चाहे ना मना, पर किसी ना किसी हस्बैंड को मनाना ही पड़ेगा अपनी बीवी के चेहरे के स्माइल के लिए और उसके पूरे दिन के रखे हुए तुम्हारे व्रत के लिए। करवा चौथ की बात कर रहा हूँ मैं। अब तू खुद बता, जब ये दिन आने वाला होता है 4 दिन पहले टेंट वाले बाहर बैठे होते कि नहीं बैठे होते? यार वो लोग तो 1 हफ्ते पहले ही आ जाते हैं। बैठे होते हैं ना। अब उनका कहने का मतलब है कि देखो सब पतियों, तुमको एक वार्निंग देने जा रहे हैं, तुम्हारी पत्नियां तुम्हारे लिए व्रत रखने वाली हैं, हाथ काले करने वाली हैं और ऊपर से तुम्हारे जो तुम रोटी खाने वाले ना उसमें आने वाली खुशबू, अगर तुम हगोगे ना उसमें मेहंदी की खुशबू ही निकलेगी। पूरा दिन पूरा हफ्ता काम करने के बाद तुम मेरे से ये एक्सपेक्ट करते हो कि तुमसे मैं बहुत प्यार से बात कर लूं? ठीक है, संडे को मेरे को वक्त मिलता है कि तुम्हारे साथ मैं वक्त बिता लूं। मैं सैटरडे को इसलिए मैं जल्दी सो जाता हूं कि संडे को तुम्हारे साथ मैं वक्त बिता लूं। अगर मैं तुमसे मैंने अच्छे से बात कर ली तो बीवी को लगता है अरे इसको क्या हो गया, अचानक से हमारे से ऐसे क्यों बात कर रहा है, अरे क्या मतलब ऐसे क्या बात कर रहा है। पूरा हफ्ते का फ्रस्ट्रेशन होता है यार, मैं नहीं ऐसे कर सकता तुम्हारे साथ, मैं गुस्सा नहीं कर सकता तुम्हारे साथ। अब मेरे को वक्त मिला कि ठीक है तुम्हारे साथ मैं वक्त बिताऊं, यार मेरे को संडे मिला मैं तो काम कर सकता हूं तुम्हारे साथ, मत बातें कर सकता हूं। अब तुमको उस भी मैं अपना मुंह सुझाना है तो मेरा मन ही नहीं करता कि संडे को भी मैं घर में रहूं, मैं मन तो करता कि बाहर ही चला जाऊं मैं। फिर तुम एक्सपेक्ट करते हो कि पूरा साल तुम्हारी गाली सुनने के बाद मैं तुमसे बहुत प्यार से बात कर रही। नहीं होता भारत प्यार से बात यार। मेरे को पता है मैंने अगर तुम्हारा ये वाला दिन मैंने खराब कर दिया, मेरे को पूरा साल में कौन कौन सी सब्जी में नमक कम मिलने वाला है, कौन कौन सी रोटियां मेरे को गली हुई और सड़ी हुई मेरे को मिलने वाली है। तू मेरे को एक बात बता यार, तेरी शादी नहीं हुई पर तू सुकून वाला है भाई, शादी मत करना, करना तो एक ही चीज करना, उनको बस एक ही चीज कह देना करवा चौथ तो बिल्कुल मत मनाना, क्योंकि करवा चौथ तो भाई क्या ही बोलना उस चीज के बारे में। करवा चौथ तो भाई पूरा दिन एक तो तुम पर व्रत रखते हो ठीक है हमारे लिए लंबी उम्र के लिए, पूरा साल गाली सुनने को तुम एक दिन एक्सपेक्ट करते हो तुम्हारे एक दिन रखे व्रत से मेरी क्या पूरी लंबी उम्र हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होने वाली। तुम जैसे गाली देते हो ना मेरा तो कल ही मरना हो जाता है मेरा। पर नहीं फिर भी ठीक है यार, तुमने मेरे लिए व्रत रखा है, मैं बहुत ज्यादा सुकून वाला बंदा आ जाता कि मेरी बीवी मेरे से बहुत प्यार करती है, मैं क्या करूं मेरे सोने बेबी। अरे कोई बात नहीं, मेरे सोने बेबी ने व्रत रखा है, आज तुम कोई काम नहीं करोगी। हमारे घर के बुजुर्गों लोग उनको तो एक दिन मिल जाता है कि ठीक है आज हमें देखना हमारा बेटा हमारे लिए देगा छोले भटूरे लेके आएगा, समोसे लेके आएगा, क्यों लेके आएगा, नहीं लेके आएगा यार, मेरे को भी आज व्रत रखना है, मेरी अपनी बीवी के लिए व्रत रखना है। जो सस्पेंस है, सस्पेंस रखा मैंने, मैं तेरे को बाद में बताऊंगा ठीक है। अब मेरे को बात बता, ये सस्पेंस पूरा जो होता है जो कब बताया जाता है? एंड में बताया जाता है तो एंड में ही बताऊंगा, पहले तो एक्सपेक्ट करना ही मत, बिल्कुल मत एक्सपेक्ट करना मेरे से, क्योंकि मैं पहले बता दूंगा, मैं एंड में ही बताऊंगा। तो फिर ये है कि पूरा दिन तुम व्रत रखते हो, तुम कोई काम नहीं करते, क्योंकि मेरे को पता है अगर तुम काम करोगे तो बॉडी चलेगी, तो फूड मांगेगी, फूड मांगेगी तुम पानी भी पियोगे, बल्कि व्रत कैसा होता है कि पूरा दिन तुमको पानी तक नहीं पीना है ठीक है। पूरा दिन तुमने पूरा व्रत रखा, सारा कुछ रखा ठीक है, शाम को तुम एक्सपेक्ट करते हो कि अब देखो चांद निकलेगा, चांद देखे मैं अपने पति को देखूंगी। पति को देखोगी कैसे? वो एक जाली से जिसमें भाई पिछले साल जो मैंने देखा था, तुमने मेरे को जो उसमें से देख रही थी, पीछे बहुत सारे कीड़े लगे हुए थे, वो आटा छानने वाली छाननी से तुम मेरे को देखती हो। अरे मेरा झपर झंडू आज भी ऐसे लग रहा है जैसे पूरा साल में लग रहा था, बस आज तो मैं तुमको आप करके बात करूंगी। तुमको पता है मैं पूरा साल तुमको गाली दी थी ना, बस आज तुमको आप करके ही बात करूंगी। तुमको ये नहीं पता कि आगे साल होने क्या वाला है, देखना अब तुम्हारी टांगे और मैं तोड़ूंगा इसके बाद। अब तुम फिर उसके बाद चांद को देखती हो, चांद ने क्या ड्यूरासेल के नए सेल डाल लिए क्या, क्या जो पूरा साल में अच्छा नहीं दिख रहा था, आज तुम बोलती हो अरे बाबू देखो चांद हमारा कितना प्यारा लग रहा है, ये चांद है, एक वो चांद है, वो चमक रहा है, ये चड़ी का सीधा बूझा पड़ा है, अरे ये चांद का कैसे कुछ कर लेगा यार, पूरे साल तुमने उसको गालियां खा खा के उसको चेहरे का जो स्माइल थी ना ऐसे कर दी है। फिर तुम एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारे को वो पानी पिलाने के बाद तुम्हारा व्रत तोड़ देगा? भाई खाने पीने के साथ व्रत टूटा जाता है यार, पानी से कौन व्रत तोड़ता है? चलो ठीक है पानी से व्रत तोड़ भी दिया, उस पर सस्पेंस इनको पता चलता है कि यार इनके पति ने भी इनका व्रत रखा था, वो सस्पेंस किसी और ने नहीं तोड़ा, हमारे घर के ही किसी झंडू बच्चे ने आके बोल दिया भाभी भाभी पता है आपको भैया ने आपके लिए व्रत रखा है। अरे ये तो मैंने सस्पेंस रखा था ना, वो भी अपनी बीवी के लिए, वो उसको बताना चाहिए था, वो भी पर्सनल रूम में जाके मेरे को बताना, तो वो भी स्पेशल सरप्राइज के साथ, तूने तो बच्चे हराम पना कर दिया, अब तो मेरा सारा सस्पेंस ही टूट गया। चलो ठीक है कोई अपनी सस्पेंस टूट गया। फिर उसके बाद देखिए हमारा ऐसा फुद्दू दोस्त होता है जिसको भाई हमारी जिंदगी में टांग अड़ाना बहुत पसंद होता है, वो आगे से एक ही चीज बोलेगा भाई वो गोलगप्पे के पैसे अभी तक तूने दिए नहीं है, शाम को जो तूने खाए थे यार मैंने पूरा दिन मैंने व्रत रखा ठीक है, मेरे से नहीं झेला गया मैं ठीक है, 6 बजे के बाद मेरे को ऐसा मन किया कि ठीक है 4 गोलगप्पे खा लूँ ठीक है, मानता हूँ मैं आधा घंटा एक पापड़ी के लिए वहाँ पे खड़ा रहा, 2 कोले मैंने पानी भर के पिए, पर मैंने पूरा दिन व्रत तो रखा था ना, मेरा मन था कि मैं तुमको खुश रखूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश रखूँ, मेरा मन था, मेरा बहुत ज़्यादा मन था, पर मेरा तुमको परेशान करने का मन नहीं था कि तुमको मेरे को बोलूँ कि जाके कुछ बनाऊँ ये करो वो करो, तो सोचा मैं ही व्रत रख लेता हूँ यार। पर बीच में तो मैंने अगर 20 रुपये के गोलगप्पे खा लिए तो क्या हो गया, ये 20 रुपये के लिए मैंने सुनाने लग गया, ऊपर से जो तुमने मेरे लिए व्रत रखा
अब मेरे को पता है रात को जाके मेरे को क्या मिलने वाला है। जो मेरा सस्पेंस रखा हुआ सस्पेंस टूट गया, प्लस गलती मेरे से हो गई मैंने कि मैंने फोन स्पीकर पे बात कर ली और उसको पता चल गया मेरी बीवी को कि मैंने व्रत नहीं रखा, वैसे ढोंग करा था सिर्फ 20 रुपए के लिए। भाई उसने पूरा मेरा भरोसा तोड़ दिया। अब साल भर मेरे को सब्जी में नमक नहीं मिलने वाला यार, क्या किया तूने भाई? वो तो मैंने कॉल किया था ना तेरे को, मैं तेरी ही बात कर रहा हूँ। चूतिया यहाँ से निकल जा अभी के अभी, वरना बहुत पीटेगा मेरे हाथ से बहुत सड़ेगा।